साधु जादू में चुनना क्यों चाहते हैं? ये इसलिए चुनना चाहते हैं कि जो कोई भी काम रहेगा उसको डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। हम क्या कहेंगे सर, हम साधु जादू के कहेंगे जी। हमारे देखने से सर तो यही BSP का पार्टी भारी पड़ रहा है, हाथी छाप वो साधु जादव का। नमस्कार, हेलो बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। ऐसे में बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज के एक डेरवा पंचायत में, और ये एक डेरवा गाँव है। यहाँ पब्लिक का व्यू जानेंगे क्या है मूड इस बार, क्योंकि BJP और गठबंधन दोनों पार्टी जबरदस्त है, उसमें साधु जादव भी अपना दांव खेल चुके हैं और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये एक डेरवा गांव में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे और दिखाएंगे क्या है पब्लिक का रिव्यू। तेरा कौन है? साधु जादव। साधु जादव क्या है? साधु जादव में आज फिर कौन सा बात है, क्या खास? साधु जादव में चुनना क्यों चाहते हैं? ये इसलिए चुनना चाहते हैं कि जो कोई भी काम रहेगा उसको डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं, वो आता है जाता है, मिलते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद नहीं दिखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो जब चाहे तब मिल सकता है, वो जब चाहे तब। साधु जादू सब मुख्तार राम, क्या कहिएगा गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है? हम क्या कहेंगे सर, हम साधु यादव के कहेंगे जी। हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं कि उनको वोट दिया जाए, चाहे जीते चाहे हारे चाहे होते। ये तो सारी 5-6 आदमी उम्मीदवार लोग खड़े हैं, जिसके भाग में जैसा भी होगा उन्हीं को मिले। हम तो नहीं कह सकते हैं कि साधु यादव को जिताएंगे या BJP को जाएंगे या RJD को जाएंगे या कांग्रेस को जिताएंगे चाहे राजद का जिताएंगे। क्या है खास समझिए, क्या कहेंगे सर? साधु यादव तो हमारे देखने से तो अच्छा लगते हैं, अच्छा किए हैं, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि साधु यादव को वोट दिया जाए। हाँ, हम यही कहेंगे। हमारे देखने से सर तो यही BSP का पार्टी भारी पड़ रहा है, हाथी छाप वो साधु यादव का। क्या वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, गोपालगंज में बहुत विकास किए हैं। हाँ, वो ये वो रोड बनवाए थे गोपालगंज में, जो वो लाइट जो बड़ा वाला लगाए थे वो साधु यादव ही लगाए हैं 5 जगह गोपालगंज में। वो उसका प्रकाश हमारे गांव में आता है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही, BJP और RJD। हाँ, वो तो मालूम है। देखिए तो सब लोग बोलता है तो ठीक ही पाएंगे, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन बोल बोला तो उन्हीं का है। चुनाव के बाद आते हैं? हाँ, बराबर आते हैं वो, दौड़ा भी करते हैं। साधु जादव ऐसा नहीं है, वो बड़ा वो घूमते भी रहते हैं। फ़ोन कीजिए, वो कोई काम के लिए आ जाएंगे।